गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर हैमर फॉर्मिंग हाइड्रो फॉर्मिंग के बारे में पढ़ा रखा था, स्टार्ट किया था, तो हम थोड़ा सा उसको इंट्रोड्यूस कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे हाइड्रो फॉर्मिंग होती है, किस टाइप की होती है हाइड्रो फॉर्मिंग, और दोनों टाइप से क्यूब हाइड्रो फॉर्मिंग और सीट हाइड्रो फॉर्मिंग के बारे में हमने पढ़ा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इनके एप्लीकेशंस को। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, सैनिटरी यूज में और एरोस्पेस में, जहां पे हमें लाइटर एंड स्टिफर पार्ट्स को बनाना होता है, वहां पे हम यूज करते हैं हाइड्रो फॉर्मिंग या फिर वाटर हैमर फॉर्मिंग। अगर हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं मोबाइल इंडस्ट्री में, तो आप देख सकते हैं बॉडी शेल, ड्राइविंग शाफ्ट, असेंबल्ड कैमशाफ्ट, एग्जॉस्ट सिस्टम, इंजन कूलिंग सिस्टम, रेडिएटर फ्रेम, सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स, इंजन बैरियर, इंटीग्रल मेंबर, क्रॉस मेंबर, फ्रेम स्ट्रक्चर, एक्सल एलिमेंट, ये सारी चीजें बनाई जाती हैं हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर में विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो फॉर्मिंग। हम थोड़ा नेक्स्ट आएंगे। अगर आप देखना चाहें रियर एक्सल गियर बॉक्स, हाइड्रो फॉर्म सब फ्रेम, ये सारी चीजें मतलब हाइड्रो फॉर्मिंग से ही बनाई जाती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत ही वाइड रोल है, बहुत ही वाइडली यूज होता है हमारा हाइड्रो फॉर्मिंग। मटेरियल्स की बात करें तो स्टील यूज होता है, स्टील में माइल्ड स्टील और मे बी हार्ड स्टील, हाई स्ट्रेंथ स्टील जो HSS वो यूज कर सकते हैं, स्टेनलेस स्टील भी यूज होता है और एल्युमिनियम अलॉय जो मेटल में यूज करते हैं। इफ यू आर गोइंग टू डिसाइड द डिजाइन कंसिडरेशन then we have to define it either on high pressure or low or on low pressure. And the demarcation point जो है वो कितना है, 83 मेगापास्कल। इसमें पूरा कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है, अगर ग्रेटर देन 5% टू रिक्वायर द शेप द पार्ट तो यहाँ पे लो प्रेशर होगा, अगर सॉरी लेस देन अगर है 5% से तो लो प्रेशर होगा, अगर 5% से ज्यादा है बट 25% से कम है तो हाई प्रेशर होगा। अगर हम डिजाइन कंसीडरेशन में प्रोडक्ट की बात करें तो डिपेंड करता है व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ द प्रोडक्ट एंड आल्सो द थिकनेस डिस्ट्रीब्यूशन, इज द सेम थिकनेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ व्हाट गोइंग ऑन। तो ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी, व्हाट इज द डायमेंशनल एक्यूरेसी, हमें टॉलरेंस कितना देना है एंड व्हाट अबाउट सरफेस। Then, अब मैं बात करूं तो यहाँ हम समथिंग लाइक दैट टेम्परेचर रेज नहीं होता, तो यहाँ पे सरफेस फिनिश हमारी अदर मटेरियल अदर प्रोसेसेस की कंपैरिजन में अच्छा होता है। हमें ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है कि माइक्रोस्ट्रक्चर्स को भी, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल पार्ट प्रॉपर्टीज को भी हमें ध्यान में रखना होता है एंड व्हाट इज द हार्डन हार्डनेस ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें पे ध्यान में रखिए। अगर हम टूल और डाई की बात करें देन दे हैव टू डिसाइड द ज्योमेट्री ऑफ द टूल
on the basis of material hardness. We have also हमें सरफेस कंडीशंस क्या है इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, स्टिफनेस और टॉलरेंस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा. राइट क्वेरी से सॉरी. अगर इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास प्रेस कैपेसिटी का इक्विपमेंट होगा कुछ, स्पीड प्रोडक्शन का एक इक्विपमेंट होगा, एनर्जी कैपेबिलिटी स्टोर करने के लिए एक इक्विपमेंट होगा, और रिजिडिटी एंड एक्यूरेसी के लिए भी एक इक्विपमेंट होगा. डिफॉर्मेशन जोन की बात करें तो डिफॉर्मेशन मैकेनिक्स मॉडल यूज्ड फॉर एनालिसिस. वहाँ पे हम डिफॉर्मेशन मैकेनिक्स के मॉडल का यूज करते हैं. मेटल फ्लो वेलोसिटी स्ट्रेन रेट्स स्ट्रेंस ये सारे काइनेमेटिक्स हैं. स्ट्रेसेस वेरिएशन ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेसेस जो होती हैं और पूरे डिफॉर्मेशन के ड्यूरिंग वेरी करती हैं. हम थोड़ा सा एडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमारे वाटर हैमर फॉर्मिंग में. तो वाटर हैमिंग फॉर्मिंग क्या करता है, जिस मटेरियल जिस भी पोजिशन उसको सीधे सीधे मोल्ड में ले जाके चिपका देता है. ये पूरा पार्ट कंसोलिडेशन प्रोसेस है. हम वेट को कम कर सकते हैं बाय यूजिंग मोर इफिशियंट सेक्शन डिजाइन एंड टेलरिंग ऑफ द वॉल थिकनेस. इन सारी चीजों को करके हमारे पास जो वेट है उसको हम कम कर सकते हैं मटेरियल का. जो स्ट्रेंथ होगी मटेरियल की वो इंक्रीज करेगी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी एंड द स्टिफनेस आल्सो विल बी इंक्रीज. क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म और पूरे सिस्टम में जो इक्विपमेंट्स है वो काफी कम यूज हो रहे हैं, जो टूलिंग कॉस्ट होगी वो काफी कम होगी. और मोस्ट ऑफ ऑल जैसे हम ये वाटर हैमर फॉर्मिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ ऑल हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट एक ही उसमें मिल जाता है. लेकिन कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कुछ सेकेंडरी ऑपरेशंस को करने के लिए. जहां पे हमें जैसे सपोज करिए कि कुछ वेल्डिंग सेक्शन है, अगर हमें वहां वो होल करना है तो थोड़ी चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, तो उन सारे कंडीशंस के लिए हमें कुछ सेकेंडरी ऑपरेशंस को करने की जरूरत पड़ती है. अदरवाइज ये हमारा फुल्ली हमें फिनिश प्रोडक्ट देता है फर्स्ट ऑपरेशंस में, प्राइमरी ऑपरेशंस में. इस पूरे प्रोसेस में जो टॉलरेंस होता है वो काफी कम होता है. काफी कम मतलब द वेरिएशन विल बी मिनिमम.
टॉलरेंस की वैल्यू हाई होती है तो ऑपरेटर के लिए, मशीन के लिए इजी हो जाता है या प्रोसेस इजी हो जाता है, बट अगर ऑप टॉलरेंस की वैल्यू टाइट है, टाइट मीन्स उसे काफी कम है, सपोज 0.000, सपोज अगर हमारे पास शाफ्ट हम बना रहे हैं वो है 25.000 mm, तो अगर इसके टॉलरेंस की बात करें, ए बाइलेटरल यूनिलेटरल टॉलरेंस यूज कर रहे हैं मान लिया हम इसमें, तो 0.000 पॉजिटिव लोअर टॉलरेंस और मिनिमम हायर टॉलरेंस 0.005, तो यहाँ पे काफी टाइट टॉलरेंस है। तो इसमें हमारा जो ऑपरेटर है और जो हमारी मशीन है उसकी ड्यूटी काफी बढ़ जाती है। तो इस प्रोसेस में टॉलरेंस काफी टाइट होता है और जो स्प्रिंग बैक होता है वो काफी कम है पूरे प्रोसेस में, तो ये इसके एडवांटेज है। क्योंकि फॉर्मिंग प्रोसेस है तो स्क्रैप्स काफी कम होते हैं, सबको पता है, जनरली होते नहीं है। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मिंग के रिजल्ट्स को कन्वेंशनल स्टील बॉडी से कंपेयर करें तो 50% हमें लेस वेट मिलता है। फिफ्टी परसेंट हमें कम वेट मिलता है। और 45% हमें लेस पार्ट्स की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग मशीनिंग, हमारे कंपोनेंट्स कम होते हैं, मतलब लेस टूल होती है और लेस असेंबली होती है। और 45% लेस वेल्डिंग चीम, वेल्डिंग की भी हमें 45% कम जरूरत पड़ती है। और हम टाइटर टॉलरेंस को भी अचीव कर लेते हैं। ये जो फिगर हमारा दिखाया गया है वो देख सकते हैं, वाल्वो हाइड्रोफॉर्म्ड स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट इन एल्यूमिनियम, स्कलर हाइड्रोफॉर्मिंग 1998 का फिगर दिया गया वहां से। तो अगर मैं बात करूं कि एडवांटेजेस की, तो हमने खूब बात की, लेकिन अगर कुछ हम बात करें लिमिटेशंस की, तो क्या लिमिटेशंस है उसकी? तो अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूं तो पहली लिमिटेशंस ये है कि ये पूरी प्रोसेस काफी स्लो है, साइकिल टाइम है इसका बेटा स्लो है काफी, तो ये थोड़ा मेजर इसके ड्रॉबैक है, आप कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस हैं। जो इसके इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़े महंगे हैं, और चूंकि यहाँ पे एक्सटेंसिव नॉलेज की थोड़ी कमी होती है, तो उस कंडीशंस में हमारा जो प्रोसेस और टूल की डिजाइन हो जाती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि हम ज्यादातर यूज टू नहीं है इसके अभी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब हम असेंबली करते हैं चीजों का तो हमें कुछ न्यू वेल्डिंग टेक्नोलॉजीज की जरूरत पड़ती है।
इस प्रोसेस के थ्रू हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी अच्छी हो जाती है। मतलब जैसे हमारा जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगती है पर प्रोडक्ट वो काफी कम हो जाती है, क्योंकि हमारे जो पार्ट्स वो यूज हो रहे हैं वो यहाँ पे काफी कम है। अगर मैं इस पूरे लेक्चर को मैं कंक्लूड करूं तो मैं कहूंगा कि हाइड्रो फार्मिंग इज एन इनोवेटिव फार्मिंग प्रोसेस। क्योंकि इसमें हम हॉलो शेप्स को बना लेते हैं, हम लाइटर वेट में बन जाती हैं चीजें, तो इसलिए इसे मैं इनोवेटिव प्रोसेस कह रहा हूँ। और ये क्योंकि लाइटर वेट में चीजों को बना देता है तो ये काफी पॉपुलर हो रहा है। आप देख सकते हैं अभी पीछे हमने बात की थी एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो वहां हम काफी यूज कर रहे थे। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बाद में एरोस्पेस इंडस्ट्री में भी हम इसका काफी यूज करते हैं। जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो इसके लिमिटेशंस को ओवरकम कर देती है, इसका बहुत एडवांटेज है। सपोज करो आपको किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को बनाना है, तो उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को बनाने के लिए आपको फिक्स अमाउंट ऑफ वो देना पड़ेगा, क्या कहते हैं बेटा, फिक्स अमाउंट ऑफ मटेरियल, या मटेरियल इस मटेरियल की पर्टिकुलर वेट को यूज करना। लेकिन यहाँ पे अगर हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो हमें वेट कम यूज करना पड़ता है, तो ये बहुत अच्छा एडवांटेज है। तो ये सारी एडवांटेजेस जो हैं इसके पूरे लिमिटेशंस को ओवरकम कर देती हैं। जो मटेरियल सिलेक्शन है इज ब्रॉड एंड कंटिन्यूअस टू इंक्रीज। इसमें हम बहुत सारे मटेरियल्स की फॉर्मिंग कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोल दिया है कि वो मटेरियल्स जिनका जिनको हम कोल फॉर्मिंग कर सकते हैं वो सारे मटेरियल्स की हम यहाँ पे भी वाटर हमें फॉर्मिंग भी कर सकते हैं। तो जो हमारा है काफी रेंज है, काफी वाइड है, फिर भी हम अभी भी नए नए मटेरियल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं और प्रोसेस में ला रहे हैं कि हम इनकी मशीनिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, चीजें इंक्रीज हो रही हैं धीरे धीरे। ठीक है, ये हमारा आज का डिस्कशन रहा, और आई होप कि आप लोग थोड़ा सा नॉलेज इंक्रीज हुआ होगा। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, धीरे धीरे सिलेबस खत्म करिए और मेहनत करिए अपने सिलेबस के लिए। थैंक यू।